हेलो नव दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल में। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी स्पेशल NPCL सीरीज को। आज के देखते हैं आज के वीडियो में आपके प्रश्नों को। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है पेपर का उपयोग, सॉरी पेपर नहीं है, पेपर है, ठीक है, पेपर का उपयोग असेंबली में कंपोनेंट की सेल्फ अलाइनमेंट व लोकेशन के लिए किया जाता है। जो टेपर होता है, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं, मोस्ट टेपर, मेट्रिक टेपर, पिन टेपर, अलग अलग प्रकार के जो टेपर पढ़ते हैं, वो एक्चुअल टेपर होता क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, टेपर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम असेंबली में किसी भी कंपोनेंट के आसानी से अलाइनमेंट और उसकी असेंबली और डिसेंबलिंग हम क्या कर सकें, उसको कर सकें आराम, ठीक है, ताकि इसलिए हम क्या करते हैं, टेपर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है। और जो आपके टेपर जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ होल्डिंग टेपर, ठीक है, और सेल्फ रिलीजिंग टेपर, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है। मेट्रिक टेपर में व्यास का अनुपात 1:20 का होता है। चलिए नेक्स्ट है। मेट्रिक टेपर का अनुपात 1:20 का होता है। मिल्स ऑफ फाइल के फेस पर सिंगल कट तीस कटे होते हैं। मिल्स ऑफ फाइल आपकी स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती है और इसके फेस पर सिंगल कट दाते कटे होते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है, लकड़ी की जो आरी होती है उनके दांतों को साफ करने के लिए, तेज करने के लिए हम मिल्स ऑफ फाइल का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका एज जो होता है वो राउंड में होता है। चलिए नेक्स्ट है। बड़ी जतों की फाइलिंग के लिए ब्लॉक फाइल का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक फाइल भी होती है आपके, इसके फेस पे भी सिंगल कट दांते कटे होते हैं और यह भी स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है, बेंच वाइस में बॉक्स नट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप बेंच वाइस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उसके स्पैंडल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसका स्पैंडल किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। उसका हैंडल भी माइल्ड स्टील का बना होता है। जब जो होते हैं कास्ट आयरन के बने होते हैं और जो बॉडी होती है वो भी कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि इसमें जो जाओ लगे होते हैं वो सॉफ्ट मेटल के बनाए जाते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि बेंच वाइस का साइज कैसे लिए जाता है, तो उसके जाकी चौड़ाई से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक अवस्था में धातु की फोर्जिंग की जाती है, यानी कि जब धातु प्लास्टिक अवस्था में हो तभी उसके में क्या करना चाहिए, फोर्जिंग ऑपरेशन उस पर करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। थ्रेड फार्म में टैप चूड़ी काटते समय मेटल को काटते हैं। थ्रेड फार्मिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम थ्रेडिंग करते हुए भी हम क्या करते हैं, मेटल को काटते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेन वाशर का प्रयोग लॉक नट को सही स्थिति में पकड़ने के लिए किया जाता है। वाशर का यूज़ किस लिए किया जाता है एक्चुअली, तो वाशर का यूज़ किया जाता है, याद रखना है आपको, कि फोर्स को बांटने के लिए। अगर हम वाशर का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, मेटल खराब हो सकता है, आपका जॉब खराब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर ये फोर्स को बांट देते हैं, यहाँ पर अगर नट है अगर हम यहीं पर, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, ये बार बार यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, तो यहाँ पर काम क्या होगा, जॉब आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाशर का प्रयोग करते हैं ताकि आपका फोर्स बढ़ जाए और जॉब आपको खराब होने से बच जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम और सोडियम सेमी लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट आपके तीन कैटेगरी के होते हैं, लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड। तो कैल्शियम और सोडियम सेमी लिक्विड के उदाहरण है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। आपका थंब स्क्रू के हेड का आकार सर्कुलर होता है। जो थंब स्क्रू होता है उसके हेड का आकार कैसा होता है, सर्कुलर होता है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है। थ्रेडिंग डाई को डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है, फाइल, ड्रिल और रिमल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक से अधिक कटिंग पॉइंट होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मल्टी कटिंग पॉइंट कहते हैं। जबकि आपका चीजल जो होता है, चीजल वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चीजल मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट चीजल, ठीक है, एक कोल्ड चीजल, ठीक है। तो कोल्ड चीजल के ही हम अधिकतर जो है प्रकार देखने को मिलता है हमें, जैसे कि हाफ राउंड हो गया और फ्लैट हो गया, ठीक है, और क्रॉस कट चीजल होता है, वेव चीजल होता है, ये सारे कोल्ड चीजल के ही प्रकार होते हैं। हॉट चीजल जो होता है आपका अब इस बेसिकली फोर्जिंग शॉप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी कहते हैं और यह ग्रू काटने के काम आता है। नेक्स्ट है, लेथ फाइल को एंगल फाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, यूनिलेटरल टॉलरेंस में टॉलरेंस बेसिक डायमेंशन के एक और ही दी जाती है, और जबकि बायलेटरल टॉलरेंस में जो टॉलरेंस है वो दोनों तरफ दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर गियर में दांते अक्ष के समांतर कटे होते हैं। स्पीड नट स्प्रिंग या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में गैस सिलेंडरों की भंडारण क्षमता, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी होती है, 7 मीटर नहीं है, ये लीटर है, ठीक है, 7 लीटर क्यूब होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दुर्घटना वहीं शुरू होती है जहाँ सुरक्षा खत्म होती है। एक प्रकार का आपका एक्सीडेंट दुर्घटना का क्या है, या सुरक्षा का क्या है, या एक प्रकार का परिभाषा है, आप इसको याद रखिएगा। और आपका क्या होते हैं, जो सुरक्षा जो होती है मुख्यतः आपके तीन प्रकार की होती है,
स्वयं की सुरक्षा, वर्कशॉप की सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा, ठीक है। ये आप याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है कि सुरक्षा तीन प्रकार की होती है, स्वयं की सुरक्षा, वर्कशॉप की सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बैकफायर्स होने पर पहले ऑक्सीजन के वाल्व को बंद करें। बैकफायर जो होते हैं तभी हम पहले क्या करना, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करनी चाहिए। नेक्स्ट है वेल्डिंग करते समय, वेल्डिंग में और यहाँ पे बैक ऑक्सीजन से पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, तो काला याद रखना है हमेशा, ठीक है। होज पाइप का भी काला होता है, ठीक है, ये सब उसको याद रखना है। और एसिटिलीन का मैरून हमेशा, ठीक है, सिलेंडर का पूछे या उसके होज पाइप का पूछे। चलिए नेक्स्ट है, वेल्डिंग करते समय सिलेंडरों की चाबी को नहीं निकालनी चाहिए, उसी में लगा रहने देना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर एक्सीडेंट होता है तो हम उसको जल्दी से कंट्रोल कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का हवा में उड़ना गैस फ्रिक्शन का उदाहरण है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, कोल्ड वर्किंग रूम टेम्परेचर पर किए जाते हैं, जो कोल्ड वर्किंग जो प्रोसेस होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अमीनोज थर्मिसेटिंग प्लास्टिक का एक प्रकार है, अमीनोज और इपॉक्सी या एक जो है इपॉक्सी भी आपका किस कैटेगरी में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। तो ये आज के कुछ हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आज के हमने वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। इस तरह से हमने डेली जो है अभी तक 20 वीडियो में हमने कुल जो है मिला करके 500 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन कवर कर लिए। ये आज हमारे के क्वेश्चन नंबर की वीडियो है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप विश्वास कीजिए, आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये, क्योंकि पेपर जो जितने भी हमने इस क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं वो सारे नीमी के बुक से तैयार किए गए हैं, और आपको किसी भी एग्ज़ाम को ये तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने चाहिए। और विश्वास कीजिए मेरा, आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम को देने के लिए जाएंगे तो HTS क्वेश्चन आपको 70-80% ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।